हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद चौधरी आपका तारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का तारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जबरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। तो मैं आज आपके लिए जो ALP की वैकेंसी आई है 2024 में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करें, क्या क्या इसका सिलेबस का पैटर्न है, इसमें कितनी एग्जामें लगती हैं, इसमें क्या क्या आपको क्वालिफाई करना है, किसकी आपकी मेरिट बननी है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके ALP वैकेंसी आई हुई है और आपकी ALP की वैकेंसी जो दी गई थी आपके सरकार के द्वारा, जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर थी, आपकी मात्र जो वैकेंसी थी 5,696 थी। लेकिन अब जब अलग अलग जो हम ट्विटर पर कैंपेन किया गया था उसके बाद में जब देखा गया था तो कुछ आपकी वैकेंसी का इंक्रीज होने की जो संभावना हो रही है। तो आप देखते हैं जैसे सरकार है क्या आगे जो आती है चर्चा आती है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आज आपके जो वैकेंसी आ चुकी, फोरम स्टार्ट है, तो एक बार देखो आप तैयारी भी साथ में आपको रखना जरूरी है। तो हम करते हैं अपने सिलेबस के बारे में चर्चा। तो आपको पता है कि ALP के जब सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, हमें कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे और इस कौन से सब्जेक्ट का कितना इंप्रूवमेंट है, कितना क्या देखना पड़ेगा आपको, हर सब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जीके का कितना आपका जीके आएगा, कितने आपकी साइंस आएगी, कितना आपका मैथ आएगा, कितने आपके रीजनिंग आएगी, इसके बारे में आपको देखना है और कितना कितने टाइम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और साथ में आप क्या करें, यूट्यूब चैनल को भी आप साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करना, जैसे हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए या कोई क्लासेज आपके लिए लाइव ली जाए तो वहां पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट न जाए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो वहां पर जो हमारे द्वारा यूट्यूब पर जो आपकी जो फ्री क्लासेज ली जाती है तो वो वहां पर आपको उसकी फ्री PDF भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं जैसे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है ALP वैकेंसी में 2024 में, जो आपकी वैकेंसी आने आ गई है उसके बारे में आपको सिलेबस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं दोस्तों। तो एक बार सभी के सभी दोस्तों इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब देखिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपके एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखो आपकी एग्जाम जो ALP की होती है, किसकी ALP एग्जाम, देखो आप क्या होती है कि ALP की एग्जाम, ALP की जो आपकी एग्जाम होती है, तो एग्जाम में देखिए आपके तीन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम देते हो तो यहाँ पर आपको तीन चरणों में अलग अलग आपको गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको देनी पड़ेगी CBT 1, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, आपको ये आपको देना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म लगा इसके बारे में एग्जाम डेट आएगी तो वहां पर आपकी पहले एग्जाम ये लगेगी, ठीक है। तो आपकी जो एग्जाम पहले लगेगी ये तो ये है आपकी, एक नंबर पे पहले आपकी ये एग्जाम लगेगी, फिर लगेगी आपकी CBD 2 लगेगी, आपकी क्या लगेगी, फिर CBD 2 लगेगी और फिर लगेगी आपका साइको टेस्ट होगा, आपका क्या होगा, आपका साइको टेस्ट होगा। तो ये तीनों चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा अगर ALP में आपको जॉब लेने का आपका ड्रीम है, तो आपको ये तीनों के तीनों चरण आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी तब जाकर आप ALP में आप अपने एक वैकेंसी या एक पोस्ट आप ग्रहण कर पाते हो, ठीक है। अब देखिए आपके CBT 1 होगा, तो CBT 1 में क्या होता है कि आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखो आपके कि मैथ है, मैथ के यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 20 क्वेश्चन तो मैथ के होंगे। और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। और साइंस के यहाँ पर देखिए आपके 20 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन होंगे, सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और फिर दिखाई दे रहा होगा आपको जीके में आपको 10 क्वेश्चन है, क्या आपको जीके में क्या आपको 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सोचने लायक बात है क्योंकि आपको पता है कि जीके बहुत बड़ा आपका समुद्र है। तो जीके का आपको, जिसको जीके नहीं आ रहा वो आराम से ALP में क्या कर सकता है, अपनी जॉब लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और साइंस पढ़नी है। और जीके में भी अगर आप थोड़ा बहुत करंट देख लेते हो, थोड़ा बहुत स्टैटिक पर आप कवर कर लेते हो तब आपका और ठीक हो जाएगा। अगर आप करंट करंट भी पढ़ते हो जीके में तब भी आपकी नया पार लग जाएगी साथ में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे ज्यादा मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा सभी रीजनिंग के में सबके सब करेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में हर स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कौन करेगी, आपकी मैथ और साइंस करेगी। यहाँ पर साइंस का रोल सबसे बड़ा होता है ALP में। ALP में आपको जितनी मजबूत साइंस होगी तो उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन सही होगी, क्योंकि
मैथ रीजनिंग तो हर स्टूडेंट हर एग्जाम में पढ़ता रहता है, लेकिन साइंस इसमें काफी डीपली पूछ जाती है, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको साइंस अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पलर आते हैं, वहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की ज्यादा बुक और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके एएलबी के साइंस में सबसे बहुत ज्यादा रोल होता है। तो यहाँ पर आप साइंस के बारे में सबसे ज्यादा आप फोकस करो तो किसका करो, आप साइंस का करो। मैथ रीजनिंग तो हर स्टूडेंट हर एग्जाम में की तैयारी में पढ़ता रहता है, वो तो उनकी सबके साथ के साथ तैयारी रहती है, लेकिन साइंस की क्या होती है, रेलवे स्पेशल में आपके देखो रेलवे में स्पेशल आपको साइंस ज्यादा पूछी जाती है और अदर एग्जाम में इतनी साइंस नहीं पूछी जाती है। तो मेन जो आपका डिफरेंस जो क्रिएट करेगी हर स्टूडेंट के साथ वो करेगी आपके साइंस करेगी, और साइंस आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत इंप्रूव होनी चाहिए आपके साइंस के बारे में, ठीक है। और ये आपकी जो सीबीटी वन होती है इनकी कोई कट ऑफ नहीं है, आपकी जस्ट क्वालिफाई होती है, क्या होती है, क्वालिफाई होती है। और सीबीटी वन आप जैसे क्लियर करते हो तो आपकी जितनी पोस्ट होती है उसके 15 या 20 गुना अभ्यर्थी आपको बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी आपकी पोस्ट होगी तो उसके 15 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे आपने देखा कि अभी आपकी पोस्ट लगभग 6000 के लगभग है, और 6000 के लगभग है तो अगर आपको 15 गुना बुलाया जाए पास किया जाएगा सीबीटी वन, तो 90,000 स्टूडेंट को सीबीटी टू में बैठने का आपको मौका मिलेगा। कौन सी एग्जाम में, सीबीटी टू में। अब सीबीटी टू के बारे में देखते हो तो ये भी आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम ही होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगी। कौन सी, सीबीटी टू भी। अब देखो सीबीटी टू में दो पार्ट होते हैं आपके, एक तो होता है पार्ट ए होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा होता है पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 75 75 क्वेश्चन होता है। अब देखो आपका जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी है ये तो क्या आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। कौन सा, पार्ट बी को तो आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपकी फाइनल मेरिट बनती है किसमें, एएलपी में, तो किसकी बनेगी आपकी, सीबीटी टू एग्जाम की पार्ट वन की बनेगी। किसकी बनेगी आपकी, पार्ट वन की बनेगी। अब देखो कि पार्ट वन में क्या पूछा जाता है, तो पार्ट वन में आपको 25 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, आपको मैथ के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे होंगे आपके मैथ के, 25 क्वेश्चन। फिर आपके रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 25 क्वेश्चन। किसके होंगे आपके, रीजनिंग के होंगे। फिर आप देखो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या दे दिया, 40 क्वेश्चन दे दिया गया। और फिर वही आपके जीके और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हो अगर आपको एएलपी की तैयारी करना है तो जीके तो आपको इतना बड़ा रोल नहीं, और सबसे बड़ा जीके तैयार करने में ही थोड़ा कठिनाई ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जीके बिल्कुल नए के बराबर पूछा गया। अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट बाकी के बहुत बढ़िया हो तब आपको सिलेक्शन से को रोकने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए जो सीबीटी टू है, सीबीटी टू में आपको देखो मैथ आपकी रीजनिंग है, लेकिन जो आपको हर स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस पैदा करेगी वो कौन करेगी, आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग करेगी। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में आपको 40 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ का ये आपको सब्जेक्ट बहुत इंप्रूवमेंट करने पड़ेगा। लेकिन ये तो आपकी बात की बात है, यदि आपने पहला चरण ही आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया 15 गुने या 20 गुने के अंदर, तब तो आपकी सीबीटी टू वैसे भी नहीं लगेगी। तो आपको पहला चरण आपको क्वालिफाई करना होगा, 15 से 20 गुने स्टूडेंट के भीतर आना होगा, तो आपके ये बाकी के पहले तीन सब्जेक्ट की तैयारी में आप लग जाइए। तो इसके साथ आपको देखना होगा कि आपके मैथ में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस के कौन से टॉपिक से कितने थे कितने थे। इस साइंस के तीन भाग हो जाते हैं आपके, फिजिक्स हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है और बायोलॉजी हो जाते हैं। तो तीनों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जैसे हम आगे सिलेबस आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज जो अलग से लाया जाएगा आपको सेशन, जो आपको सिलेबस के बारे में हर सब्जेक्ट का अलग से आपको सेशन होगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने थे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के बारे में और बता दिया जाएगा। और एक बार तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जाम में कितने थे क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको। अब जो आपका जो 75 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 60 मिनट दिया जाएगा टाइम, जो सीबीटी वन होगी वहां पर आपका 75 क्वेश्चन होगा वहां पर आपको 60 मिनट यानी कि एक घंटा दिया जाएगा, आपको एक घंटे का टाइम मिलेगा। और सीबीटी टू में क्या होगा, आपको जो आपके क्वेश्चंस कितने आपके 100 क्वेश्चंस, यहां पर आपको 90 मिनट मिलेगी यानी कि आपको डेढ़ घंटे का टाइम मिलेगा। कितने का टाइम मिलेगा, आपको डेढ़ घंटे का टाइम मिलेगा। और आपको साइको टेस्ट होता है वो तो लास्ट का चरण होता है आपका, क्या होता है वो तो आपका लास्ट का चरण होता है। तो एक बार देख लिया आपने सिलेबस आपके सभी के सभी, देख लो मैं साइड में हो जाता हूं, अपने सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट है क्या एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लेना, आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो एक बार सभी के सभी स्क्रीनशॉट मार लो आपके आपके कितने क्वेश्चन से आने वाले हैं, ठीक है सभी के। अब बात करते हैं हम अपने सब्जेक्टों के बारे में, क्या करते हैं अपने बात करते हैं अपने सब्जेक्टों के बारे में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना था क्या क्या टाइम देना। तो इसकी स्ट्रेटजी की हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, साइंस कितना पढ़ना है, तो वहां पर आपको अलग मिलेगी। और यहाँ पर आपको केवल सिलेबस के बारे में डिटेल, क्योंकि आपका लॉन्ग वीडियो ना, आपका शॉर्ट का टाइम खराब नहीं हो, आपके एग्जाम की आपकी वैकेंसी आ चुकी है सभी के सभी। अब जो मेरे साथी हैं सभी के सभी दोस्तों आप तैयारी में जुट गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी अब तैयारी में लग जाना चाहिए। अब आप वैकेंसी का जो बढ़ेगी वो ठीक है, उसको लड़ाई को भी हम जारी रहेंगे ट्विटर पर कैंपेन जो
हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपको साथ में पढ़ाई भी करना जरूरी है। यदि यही आप नहीं करोगे तो वैकेंसी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या मतलब निकलेगा आपका, सिलेक्शन तो फाइनल वैसे भी नहीं हो पाएगा, आप वैकेंसी बढ़ाने के चक्कर में रहोगे। तो हाँ, वहाँ पर भी आप साथ में ट्विटर कैंपेन चलता है, तो जैसे सोशल मीडिया पर आपका कोई ट्विटर कैंपेन हो रहा है तो वहाँ पर आप कीजिए, वहाँ पर आपको टाइम दीजिए घंटे आधे घंटे, अगर टाइम कुछ टाइम फिक्स हो जाता है सभी के सभी जो टीचर से एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर तब कीजिए। आप ज़्यादा उस चीज़ में मत सोचिए, जो वैकेंसी आ चुकी है वो तो देखिए, और आपने देखा होगा हर RRB के बारे में अलग अलग डेटा आ रहे हैं कि देखो वहाँ पर पोस्टें कितनी खाली थी, अभी वहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर पोस्टें कम थी, तो अब जो होगा आगे वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब एक बार आपकी वैकेंसी तो आ चुकी, फॉर्म स्टार्ट है, तो आप पढ़ाई भी साथ में जारी कर देना चाहिए अब मेरे ख्याल से। तो आप देख लो आप सिलेबस के लिए, ठीक है दोस्तों, अब इतना ही आज के लिए आपके ये काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।